नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2018 के प्ले ऑफ के मैचेस की। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि जो आईपीएल 2018 के क्वालिफायर टू और एलिमिनेटर, ये दोनों जगह के अभी तक वेन्यू यानी कि स्टेडियम कौन से होंगे अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई को पत्र लिखा और बोला कि पुणे के स्टेडियम में प्लेऑफ के मैचेस को कराया जाए। फिर दोस्तों, उसके बाद जो है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने बोला कि हमारे यहाँ पे जो है प्लेऑफ के मैचेस को रखा जाए। लेकिन दोस्तों, अभी जो है इस प्लेऑफ की दौड़ में एक और नई टीम, एक और नया ग्राउंड का नाम जुड़ने वाला है और उसका नाम है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। यानी कि दोस्तों, कोलकाता जो है, कोलकाता की टीम चाहती है कि जो प्लेऑफ के मैचेस है वो उनके स्टेडियम में रखे जाए। तो दोस्तों, अभी जो है इस प्लेऑफ की दौड़ में कुल तीन स्टेडियम का नाम आ गया है। पहला स्टेडियम पुणे का, सेकंड स्टेडियम सौराष्ट्र का और दोस्तों थर्ड स्टेडियम जो है वो है कोलकाता का ईडन गार्डन्स। दोस्तों, देखते हैं अभी बीसीसीआई किस स्टेडियम में प्लेऑफ के मैचेस को कराती है, क्योंकि दोस्तों जो प्लेऑफ का मैचेस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मैचेस होता है, जिसके लिए सभी टीमें चाहती है कि जो प्लेऑफ के मैचेस है उनके स्टेडियम में रखे जाए, ताकि उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन से स्टेडियम में हो सकते हैं आईपीएल 2018 के प्लेऑफ के मैचेस, किस स्टेडियम के लग रहे हैं चांसेस? अपने विचार बताओ नीचे कमेंट करके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।